बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी दोस्तों, ये एक मेरे पास बाइक आई है सुजुकी GS 150। तो इस बाइक में अब प्रॉब्लम ये है कि भाई ने बाइक की बैटरी नहीं डलवा दी है, इसकी वायरिंग को सेट करवा दिया है, लेकिन इसका मसला जो है इसके सलफ का है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी बाइक में आपने अगर नई बैटरी डलवानी है तो आप उसको सलफ को कैसे चेक कर सकते हैं। कि बाइक के सलफ का इशू हो, सलफ लोड ले रहा हो, तो अक्सर जो हमारे इलेक्ट्रिशियन हजरात हैं वो बाइक की बैटरी को चेंज करवा देते हैं। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हमारी वीडियो है। वीडियो के स्टार्ट में भी जैसा कि आपको मैंने बताया है कि इसके सलफ के प्रॉब्लम का हमें कैसे पता चलता है और इसकी बैटरी की प्रॉब्लम का कैसे पता चलता है, वीडियो को आप मुकम्मल देखिएगा। इसका सलफ जो लोड लेगा ना उसका कैसे पता चलता है, ये देखें। ये सलफ जो शुरू में मिस कर रहा है, ये हमेशा जब आपकी पुरानी बैटरी के ऊपर भी इस तरीके इस तरह का मसला आए तो आप अपनी बाइक के सलफ को पहले चेक करवाएं। ये बाइक जो है मीटर के हिसाब से तकरीबन 26,000 चल चुकी है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बाइक ज़्यादा चल चुकी है। आजकल की बाइकों में तकरीबन 35,000 से 40,000 किलोमीटर के ऊपर इसके सलफ में प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन इसके ये आखिर वाले डिजिट से मुझे लग रहा है कि जैसे ये मीटर काफ़ी देर से रुका हुआ है, क्योंकि ये इसके डिजिट जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हैं। अगर ये नई बाइक होती तो ये 26,000 किलोमीटर के ऊपर ये डिजिट जो, अगर इसका मीटर चल रहा होता तो इसका ये डिजिट जो है वो चल रहे होते। ये बाइक टोटल तकरीबन 35,000 से 40,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिशियन कहे जी कि उसकी बैटरी चेंज होनी है, तो इसका सबसे बेहतरीन तरीकाकार तो ये होता है कि आप किसी अच्छे इलेक्ट्रिशियन के पास जाएँ, उसे आप कहें कि हमें हमारी बाइक में जो है वो दूसरी बैटरी रखकर चेक करवाए हमें एक बार कि इसकी बैटरी का इशू है कि नहीं। मेरे पास अगर कोई बाइक आती है बैटरी चेंज करवाने के लिए, या कस्टमर आके कहे जी कि इसके बैटरी को चेक कर लें, गाड़ी सर्विस नहीं उठा रही, तो मैं बैटरी चेंज करने से पहले उसकी उस बाइक के सबसे पहले सलफ को ही चेक करता हूँ। अपने दोस्तों के साथ मैं दोबारा शेयर करता चलूँ, सलफ को लगा रहा हूँ और ये सलफ जो है ये देख सकते हैं कि लोड ले रहा है। क्योंकि अगर आपकी बाइक की बैटरी ख़राब हो या सलफ ख़राब हो तो उसका कैसे पता चलता है, इसका बेहतरीन तरीकाकार ये है, ये एक वोल्टेज मीटर आपको मिल जाएगा, ये किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप पे मिल जाएगा। बैटरी में जैसा कि आपको पता है कि बैटरी जो है 12 वोल्ट की होती है, तो इस बाइक का अब हम सलफ लगाएंगे। अगर आपकी बाइक की बैटरी वीक हो गई हो तो इसके सलफ लगाने से ये इसके वोल्टेज जो है बिल्कुल ड्रॉप हो जाएंगे। ये देखें, इसके वोल्टेज जो है अब ये 12 से नीचे नहीं जा रहे। अगर इसकी जगह, इसका ये मतलब है कि ये बैटरी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये बैटरी जो है पहले चेंज करवा ली है इसकी। इसकी अगर पुरानी बैटरी भी होती तो मैं, अगर ये भाई मेरे पास बैटरी चेंज करवाने के लिए आते तो मैं इस मीटर को लगा के इसके ऊपर देखता। ये आपको तकरीबन 250 रुपये में ये मीटर किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप से मिल जाएगा, वोल्टेज मीटर इसको कहा जाता है। अपनी बाइक की बैटरी चेंज करवाने से पहले इसके वोल्टेज मीटर को लगाकर चेक कर लें कि इसके वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं होते सलफ लगाने पर। अब आप देख सकते हैं कि इसके वोल्टेज जो है सलफ लगाने से ड्रॉप नहीं हो रहे, इसका ये मतलब है कि ये बैटरी बिल्कुल ठीक है, इस बाइक के सलफ में इशू है। अगर इसके वोल्टेज ड्रॉप होते तो मैं इस बाइक की बैटरी को चेंज करवाता, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी इशू नहीं है। तो इसलिए जब भी आप अपनी बाइक की बैटरी चेंज करवाएं, सबसे पहले तो कोशिश करेंगे आप सुजुकी GS 150 बाइक में ड्राई बैटरी का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये पानी वाली, ये एसिड वाली बैटरियों की बहुत ज़्यादा कंप्लेन है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गारंटी किसी भी बैटरी की नहीं है। जो ड्राई बैटरी है वो इस एसिड वाली बैटरी की निस्बत थोड़ी सा ज़्यादा चलती है, तो कोशिश करेंगे आप इसमें ड्राई बैटरी का ही इस्तेमाल करें। ये बैटरी भी आपको मार्केट से, जो एसिड वाली बैटरी है ये तकरीबन आपको 3500 से 4000 रुपये की रेंज में मिल जाती है, और ड्राई बैटरी आपको तकरीबन 5000 से 6000 रुपये की रेंज में बहुत ही अच्छी बैटरी मिल जाती है। अब ये भाई ने इस बाइक के ऊपर जो है बैटरी का खर्चा कर लिया हुआ है, अब इनको इसके ऊपर सलफ का भी खर्चा करना पड़ना है। अगर ये पहले ही किसी अच्छे इलेक्ट्रिशियन को दिखाते तो इनका एक ही खर्चा होता है, इनके सलफ का ही इशू होता, इनको बैटरी जो है वो चेंज ना करवानी पड़ती। तो आप भी अपनी बाइक में अगर ये बैटरी वगैरह चेंज करवाना चाहते हैं या आपको भी सलफ का इशू है, तो किसी अच्छे से इलेक्ट्रिशियन को इसकी एक बार बैटरी को लाजमी चेक करवाएं, इसके सलफ को भी लाजमी चेक करवाएं। अगर आपकी बाइक 30 से 40,000 किलोमीटर चल चुकी है तो फिर तो डेफिनेटली इसके सलफ के कार्बन का भी इशू होता है।
अगर आपकी बाइक इतना नहीं चली हुई तो कोशिश करें कि इसकी बैटरी को भी चेक करवाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।